डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन 9 ऑफ बिहाइंड बॉन्ड ऑफ लव, रिटन बाय ए वेल नोन राइटर कीनेथ एंडरसन। समरी ऑफ दिस लेसन, द बॉन्ड ऑफ लव इज एन इंटरेस्टिंग रियल स्टोरी। बॉन्ड ऑफ लव जो है रोचक यथार्थ कहानी है। यथार्थ कहानी, कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये यथार्थ कहानी है। आप फ्रेंडशिप बिटवीन द राइटर्स कौन वाले एंड बियर कम, लेखक की फ्रेंड की पत्नी और छोटे से भालू के बच्चे के बीच मित्रता की, फ्रेंडशिप की कहानी है। इट रिवील्स लव बिगेट्स लव। ये कहानी ये बताती है कि प्रेम के बदले प्रेम प्राप्त होता है। इफ वी लव द एनिमल्स इवन इफ दे आर वाइल्ड, अगर हम पशुओं से प्रेम करते हैं तो भले ही वो वाइल्ड हों, जंगली जानवर हों, वी गेट द सेम रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। अगर हम उनसे प्यार करते हैं तो हमें उनसे वैसा ही रिस्पॉन्स माने प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। अगर हम प्यार करते हैं तो हमसे प्यार करते हैं, अगर हम नफरत करेंगे तो नफरत करेंगे। वन डे द राइटर वॉज पासिंग थ्रू अ शुगर कैन फील्ड नियर मैसूर। एक दिन लेखक मैसूर के समीप एक गन्ने के खेत से होकर जा रहा था। अ ब्लैक फीमेल बियर रैन आउट ऑफ द फील्ड विद अ कब ऑन इट्स बैक। एक काले रंग की मादा भालू या रेछनी अपनी पीठ पर अपने बच्चे को लिए हुए खेत से बाहर दौड़ कर निकली। वन ऑफ द राइटर्स कंपेनियंस शॉट इट। लेखक के एक साथी ने उसे गोली मार दी। शॉट इट मीन्स गोली मार दी, शिकार कर दिया। द कब रैन अराउंड इट्स मदर मेकिंग अ पिटिएबल साउंड। जब उसकी रीछनी माँ गिर गई तो भालू का रीछनी का बच्चा जो है उसके चारों ओर करुणाजनक आवाज करता हुआ घूम रहा था, करुणाजनक पुकार कर रहा था, करुण कर्तन कर रहा था अपनी माँ के उस हालत को देखकर। द राइटर ब्रॉट द कब टू हिज हाउस। लेखक उस भालू के बच्चे को अपने घर ले आया। व्हेन ही प्रेजेंटेड द कब टू हिज वाइफ, और जब वो भालू के बच्चे को लेखक ने अपनी पत्नी को प्रेजेंट किया, शी वाज मच डिलाइटेड, तो वो बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें पशुओं से प्रेम था, प्रसन्न हुई। ब्रूनो बिगड़ा और उसे प्यार से उसका नाम ब्रूनो रख दिया। इट बिकम लाइक अ मेंबर ऑफ राइटर्स फैमिली। यह लेखक के परिवार के सदस्य जैसा हो गया। ब्रूनो वाज अटैच्ड टू द टू असेसिंग डॉग्स एंड चिल्ड्रन। ब्रूनो लेखक के घर में तो जो अल्सेशियन कुत्ते थे उनका और किरायेदारों के बच्चों से बहुत ज़्यादा उसका लगाव हो गया। वन डे एक बैरियम कार्बोनेट नीम के रेड लाल गए। एक दिन उन्होंने बैरियम कार्बोनेट जो कि लाइब्रेरी में चूहों को मारने के लिए
रखी गई थी उसे खा लिया। वेटरनरी डॉक्टर, वेटरनरी का होता है पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सक पशुओं का इलाज करने वाले डॉक्टर ने गैर ब्रूनो ट्रीटमेंट ब्रूनो का इलाज किया एंड रिकवर्ड का उसे ठीक कर दिया। नेक्स्ट टाइम अगली बार ब्रूनो थोड़ा नटखट टाइप था, कुछ उनको शरारत किया करता था। अगली बार ब्रूनो बैंक कॉल इंजन आए, ब्रूनो ने जो जला हुआ कार से निकला हुआ इंजन आयल था उसका फिर गया, बट इट डिड नॉट अफेक्ट हिम, लेकिन इसने उस पर कोई प्रतिक्रिया का प्रभाव नहीं डाला। रंग ब्रूनो गिरिया जब ब्रूनो बड़ा हुआ इस मेन बात चेहर के बाबा, तो इसका नाम बदल कर बाबा कर दिया गया। द पुअर बाबा है कि बड़ा हो गया था, बच्चे उससे डरने लगे थे, तो बच्चों के डर की वजह से बाबा को, बेचारे बाबा को पूरे समय चैन में बांधे रखना पड़ता था, चैन बना रहता था। नाउ इट वाज टू बिग टू कीप इट एट होम, अब ये इतना बड़ा हो गया था कि उसे घर पर रखना भी मुश्किल था। सो इट वाज डिसाइडेड टू हैंड ओवर बाबा टू द ब्लू एंड मैसूर, इसलिए निश्चय किया गया कि बाबा को मैसूर में मैसूर के चिड़िया घर को सौंप दिया गया। एक बार गए तो वहाँ चिड़ियाघर में यह बहुत ही उदास था, गेवर हुई, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, उनमें कोई चीज़ नहीं खाता था। आफ्टर थ्री मंथ्स, तीन महीने के बाद राइटर्स वाइफ एंड ड्रू देखा कि पत्नी चिड़िया घर गई उसी मामा बाबा से मिली, बोर्ड पर प्लीज इस रियूनियन दोनों ही इस पुनर्मिलन पर पहुंचे। एट लास्ट अंत में बाबा लास्ट बाहर जो खुला स्पेस था कंपाउंड, उसमें एक आइलैंड जैसा बना दिया गया और बाबा को उसी में रखा गया। नाम मिसेज एंडरसन, लेखक की पत्नी मिसेज एंडरसन एंड बाबा मर हल्के और बाबा खुशके। द स्टोरी पुरस्कार की कहानी यह सिद्ध करती है कि स्लोथ बियर हैड सेंस ऑफ अफेक्शन, यह छोटा सा भालू का बच्चा भी उसके अंदर मानव प्राणी की ही तरह प्यार का, स्मरण का और व्यक्तिगत भावनाओं के का सेंस था, उसके ज्ञान था। ये स्टूडेंट्स, दिस समरी विल बी वेरी एडवांटेजियस to you to learn question answer of this lesson. We will meet with new information about this lesson in the next video. Till then, goodbye, have a nice day.